हेलो हेलो अभी अभी आ आ रही वॉइस रही वॉइस हेलो राइट सो हाई एरियन दिस इज मी योर अभिषेक सर योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग विथ वन ऑफ माई स्टूडेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एरियन दिस इज मी योर अभिषेक सर योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री इंस्टाग्राम की आइडिया आई होप आप इस पर मुझे फॉलो करके जो एग्जाम खत्म हो गया है सो so हमारा सफर आगे इस पे चलेगा आप मुझे से मुझसे जुड़े रह सकते हो इस आईडी पर ठीक है स्टोरीज देख सकते हो कि आपके सर क्या कर रहे हैं मैं देख सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हो एंड uh, देखो सबसे पहले ना पेपर एनालिसिस में मैं बताऊं तो पेपर इजी था स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर शिफ्ट टू ईजी था शिफ्ट वन थोड़ा सा हार्ड गया था जैसा मैंने कहा था ऑल राइट right, उसी तरीके से और uh, मैं जानता हूँ अभी ज्यादातर मैथ्स वाले जो शिफ्ट है उनके हो चुके हैं पेपर राइट अब एक दो दिन की और खेलें बस वही बाकी है बाकी तो बस बाकी सबका हो चुका है ठीक है तो मेरे को जैसे इतना ही कहना है कि मेरा तो अच्छा गया ठीक है ठीक है अब, अब मेरे को बस इतना कहना है ना कि जो पीसीबी वाले बच्चे जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है राइट ऐसे कुछ बच्चे हैं क्या मेरे पास है क्या कुछ मुझे बता दीजिए सर्वेश त्रिशा ठीक है और राइट लक्ष्मी हाँ हाँ लक्ष्मी गुप्ता पीसीबी की है और कौन कौन है भाई पीसीबी का जल्दी जल्दी बोलो और कौन कौन है पीसीबी का पीसीएम वालों को भी कुछ सजेस्ट करूंगा पीसीबी वालों को भी कुछ सजेस्ट करूंगा फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आने वाले, आने वाले वाले माहौल में क्या पूछा जा सकता है ठीक है अच्छा 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 समर जल्दी बताओ और कौन कौन है पीसीबी वाला है क्या कोई हाँ 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 मेरे पास है मतलब पब्लिक है पीसीबी की राइट सो स्टूडेंट्स मैं आपको एकदम सिंपल सी चीज बताता हूँ कुछ बच्चे रहेंगे जो जो पीसीएम भी भरे पीसीबी भरे तो देखो कैसा है ना अब पीसीबी वालों की अगर मैं बात करूँ ना तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा एग्जामिनर किस मेथड पे पेपर बनाता है ये आपको पता होना चाहिए देखो क्योंकि आप पेपर ही तो देने जा रहे हो इतने साल से पेपर के लिए तो पढ़ रहे हो यार वो बात अलग है कि आपका ड्रीम है आपको इंजीनियर बनना है आपको फार्मासिस्ट करना है बट बट पेपर किस मेथड पे किस वे में बना रहा है उसको समझ लेते हैं हम लोग ठीक है तो एग्जामिनर क्या करता है देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैंने जहाँ तक नोटिस किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आई होप आपको समझ में आएगा एक से लेकर के जो छह चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें वो क्या करता है इसमें ना वो सबसे पहले ना टॉपिक्स को देखता है क्या देखता है बच्चों टॉपिक्स को देखता है राइट जैसे कि अगर वो कभी कभी फ्रीजिंग पॉइंट का डालेगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले शिफ्ट में बॉइलिंग पॉइंट का डाल देगा तो कल के शिफ्ट में मैंने कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे आप डाल देगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे उसने आज क्वेश्चन डाल दिया ठीक है और फिर वो क्या करता है इस तरीके से पेपर बनाने के बाद जब उसका एक बार मन भर जाता है मन भर जाता है इन द सेंस वॉट कि बेटा जब वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सारे के सारे टॉपिक्स पे से बना लेता है ना तो उसके पास रहता कुछ नहीं है बचा कुछ तो वो क्या करेगा फिर वो अपनी छोटी मोटी हरकतों पे उतरेगा जैसे कि क्या करेगा जैसे वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा जैसे अगर आप देखना चाहोगे जैसे हमारे पास सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो अपने पास एक फॉर्मूला है एम एन फिर यहाँ पर ए क्यूब इंटू एन ए यहाँ पर है अपने पास ले दे करके डेंसिटी ठीक है तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन बनाना चालू करता है ठीक है कैसे कैसे बना सकता है जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी पहली बार भी बता चुका हूं कि यहाँ पर वो कभी कैपिटल एम निकालने बोलेगा कभी वॉल्यूम निकालने बोलेगा जैसे कि आज उसने वॉल्यूम के लिए पूछा था राइट सुबह के शिफ्ट में जिसमें मैं था फिर उसमें पी डेंसिटी कभी निकालने को पूछ देगा तो मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा राइट सो so, प्रतीक्षा ध्यान से सुनना अगर मैं बात करू पीसीबी वाले बच्चों की तो पीसीबी वाले बच्चों को ना बस एक ही चीज में दिमाग में डालना है और वो ये है ना कि पीसीएम वालों का पेपर होने ही वाला है मतलब एक दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा राइट सो so, सो so, अब ना कुछ नया क्वेश्चन नहीं बनेगा नो न्यू क्वेश्चन नो न्यू क्वेश्चन बेटा कोई भी एक नया क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ठीक है क्यों नहीं बनेगा क्योंकि सर सारे के सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है कहां पर पीसीएम बैच में सो so, अगर आपको मेरा एक छोटा सा सजेशन मानना है मानना है तो आप मेरा एक ही सजेशन मानिए कि आपको अभी कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है आपको कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको सिपोसी पीसीएम जो ये पेपर्स की एनालिसिस है ना इसको देख करके जाना है क्लियर हो रहा है क्या सबको ऐसा कौन कौन करेगा मुझे बताइए क्योंकि देखिए पीसीएम वालों में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ठीक है क्वेश्चंस बन चुके हैं बच्चे ने क्वेश्चन लगा लिया है ठीक है तो एक बार एक मॉडल सेट अपने लिए तैयार हो गया है मतलब देखो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो दो तक तो हम लोगों ने सोल्व किया ही ये तो राइट तो हम लोग एक काम करेंगे ना अभी दो वाले जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीसीएम वाले राइट सो so, हम लोगों को पीसीबी में इजी पड़ेगा अपने को पता रहेगा कि डेंसिटी के ऊपर आता है इस पे आता है उस पे आता है सबको समझा और एज यूजुअल पीसीबी के जो बच्चे हैं जिनका स्टार्टिंग में शिफ्ट है जिनका कहां पर शिफ्ट है स्टार्टिंग में राइट सो so, स्टार्टिंग के एक दो डेज के जो शिफ्ट रहते हैं बहुत ज्यादा ईजी रहते हैं ईजी रहते हैं सबको समझ में आ गया तो so, अब हम लोग क्वेश्चन के एनालिसिस पे बढ़ते हैं ये आपको पैटर्न समझना पड़ेगा ठीक है कि अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है जैसा अभिषेक सर बता रहे हैं वैसा करना है देखिए कल के शिफ्ट में मैंने आपको बताया था क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है राइट सो so, वो आज के शिफ्ट में पूछ लिया समझ में आया कल रात को जब मैंने लाइव आकर के रात में बताया था ना क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पे आएगा सो so, आज के शाम के शिफ्ट में पूछा गया ठीक है तो अब आगे चलते यार एग्जाम में कुछ नया नहीं करता देखो देखो अब मैं यहां पर आपको बताता हूँ ये आज का शिफ्ट है ठीक है जैसे कि उसने स्वार्ट्स लॉ पर क्वेश्चन आया था राइट देखो अपने पास दो था दो था था और स्वार्स था राइट फिन किस्टिंग और स्वर्ट्स था तो स्वार्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट बनता है जल्दी बताओ एक बार देखो तो तुम लोग का कितना प्रिपेयर हुआ है ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी बोलो भाई रिएक्शन में कौन सा बनता है जल्दी जल्दी बोलो मेरा अठारह ओके सोहेल जल्दी बताओ ठीक है चलो 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 जल्दी बोलो ठीक है अजिंक्या करजत ओके वेरी गुड राइट करजत में आप ओके तो और मेरे को बताओ फटाफट से जल्दी बोलो भाई इलेवंथ अगस्त में हाँ जल्दी बोलो स्वार्ट्स में हाँ एजीएफ वाला प्रोडक्ट बनता है राइट तो देखो यार आपको नोटिस करना चाहिए एग्जाम में ना कुछ बाहर से नहीं आने वाला रॉकेट साइंस नहीं होने वाला है इन्होंने दो बार पे पूछा ठीक है अब एक बार स्वार्ट्स पे पूछा तो जो बच्चे कल या परसों का शिफ्ट देने जा रहे हैं ना सो तो मेक श्योर स्वार्ट्स वाला रिएक्शन एक बार देख के जाओ ठीक है अब दूसरा हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं वो अच्छा होगा ठीक है चलो चलो वो अच्छा होगा ठीक है दैट विल बी बेटर राइट मैं अगर ऐसे ऐसे बताऊंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं ठीक है आप खाली वीडियो देख के निकल लोगे इससे अच्छा मैं आपको एक काम करता हूँ मैं आपको चैप्टर चैप्टर वाइज वाइज बताता ठीक है सो सबसे पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट के बारे में बात करते हैं हम लोग ये मेथड मेरा करेक्ट रहेगा जिस जिस तरीके से मैं हर बार कराता हूँ ठीक है देखो एक क्यूब फाइंड करना था सब दिया था डेंसिटी एंड ऑल बस क्यूब फाइंड करना था राइट ए so क्यूब निकालना है मतलब ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है सबको समझाना देखो पहले उसने एक दो शिफ्ट में डेंसिटी के ऊपर पूछा कि सर डेंसिटी कैसे निकालेंगे फिर दूसरे दो तीन शिफ्ट में पूछा मोलर मास कैसे निकालेंगे अब ये बंदा ना क्यूब पे आ गया अब पता है नेक्स्ट ए पे देखना कल का परसों के शिफ्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा कौन सा देखो लेवल होता है यार किसी भी क्वेश्चन का ठीक है जैसे कि अब फॉर्मुला क्या है देखो ऐसे करके था कैपिटल एम इंटू एन अपन अपॉन ए क्यूब इंटू कैपिटल एन एक्वल टू डेंसिटी राइट अब जब आपको ए क्यूब पूछा तो आपको करना क्या था ए क्यूब को यहां लेना था और पी को यहां लेना था राइट सो so, कैसे जाएगा बताओ ए क्यूब यहां पर आ जाएगा राइट और कैपिटल एम एन यहां पर नीचे की तरफ और यहां पर पी इन एन ए क्लियर है सबको पी इन एन ए कुछ इस तरीके से राइट अब नेक्स्ट लेवल बताता हूँ क्या आएगा नेक्स्ट लेवल में आपको ए बोलेगा बोलेगा ए निकालो तो आप लोग कैसे निकालोगे ए सोचो 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 आप लोग ए कैसे निकालोगे जब आपको अगर ए निकालना रहेगा बेटा तो आपको जस्ट ये जो इधर का क्यूब है ना इसको अंडर रूट में ऐसे डाल देना पड़ेगा जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे ऐसे थ्री करके डालना पड़ेगा सबको समझ में आया सबको समझ में आया अरे हाई है ना सबको समझा क्लियर है क्या कोई डाउट है क्या इसके अंदर नहीं नहीं ना नहीं ना कोई डाउट है क्या नहीं ना तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा राइट अब जो पीसीबी वाले बच्चे ना उनके लिए ना सिंपल वो लोग कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे पता है क्या वो सारे के सारे बच्चे यही करके आएंगे पर इसमें से एक टॉपिक में से पूछेगा कैसे अपना देखो रूट थ्री बाय फोर होता है राइट अंडर रूट थ्री बाय फोर होता है और यहां पर क्या आता है यहाँ पर क्या आता है मेरे को कमेंट में बता देना यहाँ पर मैं क्या लिखू और यहाँ पर क्या लिखू बीसीसी के लिए राइट right? दोनों में से दोनों में से आर या ए दिया रहेगा एक ना एक चीज निकालने को बोलेगा जैसे ए दे देगा दे तो आर बोलेगा आर दे दिया रहेगा तो ए बोलेगा सबको समझा क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा ठीक है पीसीबी वालों के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा राइट right? क्योंकि अब वो क्वेश्चन में एकदम डीप में उतर चुका है एग्जामिनर राइट अब वो क्या करेगा अब वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा क्लियर हुआ क्या पीसीबी वालों के लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा राइट right? अब वो छोटी छोटी चीजों में से क्वेश्चन बनाएगा क्लियर है और याद रखिएगा जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनको मेरा एक सजेशन है देखो बहुत से बच्चे हैप्टी हो रहे थे कि सर हमारा आधार कार्ड पे नाम अलग है इस पे नाम अलग है हमारा चेंज नहीं हुआ है ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है एच या ए या फिर किसी भी लेटर का मिस्टेक है सो उन बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जब सेंटर पे गया था ना यार उन्होंने ना आधार कार्ड चेक भी नहीं किया यार सही बताऊं तुम्हें ठीक है वो चेक भी नहीं कर रहे यार ऐसे मेरे को तो लग रहा है यार मैं किसी का एग्जाम देने चले जाता ना वही अच्छा होता कम से कम उसको टॉप तो करवा दिया रहता <laughs> समझा तो वही मैं बता रहा हूं कि सिंपल यार आपको आधार कार्ड से लेना देना नहीं है वो लोग जैसे ऐसे देखते रैंडमली ऐसे छोड़ देते ठीक है ऐसा जायदाद वाला तो नहीं देखते किसी किसी के शिफ्ट में देख रहे ठीक है कहीं कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग है इसके लिए ठीक है ज्यादा स्ट्रिक चेकिंग नहीं आप आराम से जा सकते हो कुछ ज्यादा हार्ड वर्ड है ठीक है नहीं, अब आगे चलो ठीक है ठीक है अब पीसीएम वालों को समझना पड़ेगा कि यहाँ तक हम लोग चले गए तो अब पीसीएम वालों के ना इसमें ऑक्टाइटर वर्ड पूछ सकता है क्या पूछ सकता है ऑक्टाइटर वर्ड क्योंकि अब तक नहीं पूछा है ठीक है वर्ड पे आ चुका क्वेश्चन है पर ऑक्टाइडर पे नहीं आया और right? अब देखो मैं आता हूँ सोल्यूशन चैप्टर पे ठीक है और डिफेक्ट में यार थोड़ा बहुत देख लेना एजी बी आर ये सब वाला ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ पर ना सोल्यूशन की बात करता हूँ तो सोल्यूशन में ना सबसे पहला तो मेरे को यही आया था जो मैंने कल आपको बताया था ना वही आया था कौन सा वाला बताया था आप बताइए मैंने बताया था ना विच इज नॉट अ क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी जो बच्चों को मेरे बातों पर भरोसा नहीं होता ना वो बच्चे एक काम किया करो कि सिर्फ और सिर्फ ना जा करके ना जा करके पेपर दे के आया करो और वीडियो देख के जाया करो फिर तुम जब पछताओगे ना कि अरे यार बोलते ना मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे राइट तो उसी तरीके से जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो करके जाओ जैसे इसमें पूछा ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये आपको आ गया देखो जो मैंने कल बताया था आपको राइट फिर उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूं अब इसमें आ क्या सकता है पहले वो समझते हैं हम लोग ठीक है इसमें सब पे क्वेश्चन बच चुका है सब पे क्वेश्चन बन चुका है और एक भी टॉपिक छूटा नहीं है

मैं सिंपली ना, सिंप्ली ना ये वाला क्वेश्चन डालूंगा पता है कौन सा वाला अरे जब तुम लोग को मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो वही क्वेश्चन आएंगे भी ठीक है यहाँ पर देखो मैं इसमें डालूंगा ये नॉन वाला टाइप वाला कौन सा वाला नॉन वाला टाइप वाला क्वेश्चन को समझो यार द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड बी इतना इतना है ठीक है रिस्पेक्टिवली फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर मतलब अपने को पता करना है लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन इफ टोटल वेपर प्रेशर इतना है जान से सुनो यार आपके पास दो लिक्विड एक ए है और एक क्या है बी है ये लिक्विड है और एक लिक्विड है. दोनों का वेपर प्रेशर दिया चार सौ पचास दिया है सात सौ दिया है लेना देना कुछ नहीं है अपने को पता करना है कि मतलब कितना लिक्विड और कितना वेपर प्रेजेंट है कितना लिक्विड और कितना वेपर प्रेजेंट है कितना वेपर समझता ना ऊपर की तरफ लिक्विड समझता नीचे की तरफ तो बच्चा कितना लिक्विड और कितना वेपर प्रेजेंट है अगर टोटल वेपर प्रेशर इतना है तो समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको फॉर्मुलाज लगेंगे राइट सो तो फॉर्मूले में सबसे पहले आप एक्स निकालोगे ओके फिर एक्स निकालने के बाद ना आप लिक्विड के निकालने के लिए लिक्विड के लिए आप वाई निकालोगे ठीक है सो तो मेक श्योर आप ये करके जाओ क्योंकि ये, ये रिलेटिव लोरिंग और पेपर प्रेशर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ठीक है और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अब जब कल पेपर दे के आओगे ना तब जाकर के देखना ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी ठीक है जलवा है हमारा अब आगे देखो नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ ठीक है यहाँ पर ना अभी तक ना इन लोगों ने ये नहीं पूछा पता है क्या कि पॉजिटिव एविएशन कौन दिखाता है नेगेटिव एविएशन कौन दिखाता है ठीक है तो आप देख लो यार सिंपल सी बात है अपने पास ना नेगेटिव एवियेशन दिखाने वाले कुछ सोल्यूशन है जैसे कि फिनॉल है मेरा एनिलिन के अंदर और क्लोरोफॉर्म है मेरा एसिटोन के अंदर तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ठीक है क्योंकि अभी तक ये बना नहीं है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर की निगाहें अभी तक किस किस टॉपिक पे और किस टॉपिक में किस क्वेश्चन पे नहीं गई है समझ में आया समझ में आया ठीक है सर कल भी इसी टाइम पर लेक्चर लेना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वी विल ट्राई ओके ओके अब वेपर प्रेशर लोरिंग वेपर प्रेशर लोरिंग पे आई होप सो नहीं बनना चाहिए क्वेश्चन ठीक है और अगर बनाएंगे भी तो टप बन जाएगा क्योंकि बच्चा इसके अंदर ना बहुत कुछ करना रहता है मैं तेरे को एक बार झलक दे देता हूँ ठीक है वेपर प्रेशर लोरिंग मतलब लेवल थ्री का क्वेश्चन है ठीक है कैसे देख दिखाता हूँ तेरे को क्योंकि इसमें डेटा भरपूर दिया रहेगा ठीक है अब डेटा भरपूर दिया रहेगा तो तेरे को फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा ठीक है नहीं तो नहीं हो पाएगा ठीक है एक से एक बच्चे एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे बाजू में एक लड़, मेरा दोस्त ही बैठ गया था जिसके साथ मैं साल भर पढ़ाई किया ठीक है हम दोनों का हॉल टिकट नंबर आगे पीछे ऐसी मतलब था हम लोग का एक ही क्लासरूम में था तो मेरे जस्ट बाजू वाले में बैठा था तो उसको मैंने बोला पूरा फिजिक्स सॉल्व कर ले तो उसने पूरा फिजिक्स सॉल्व कर लिया मैंने पूरा केमिस्ट्री कर लिया हम दोनों ने फटाफट पचास से साठ मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा हम दोनों ने एक दूसरे का आंसर कॉपी कर लिया मतलब बढ़िया है यार तुम लोग का भी तुम लोग भी बहुत दिमाग लगा रहे हो ठीक है चलो कोई नहीं ठीक है अभी था देखो

थ्री नाइन्टी फोर ग्राम ऑफ तूने ग्राम लिया ये जो तू ले रहा है ना ये क्या है थ्री नाइन फोर ग्राम है तेरा ठीक है क्या है सलूड है राइट क्या है है अब तूने इसको डिजोल्व कर दिया किसके अंदर किसान कर दिया लिक्विड के अंदर लिक्विड कितना है तेरा सिक्स ट्वेंटी टू ग्राम है ठीक है ये समझ लिया लिक्विड है ठीक है लिक्विड ग्राम में नहीं होता वैसे तो लिक्विड में रहता है लिक्विड होता है ना तो फिर यह सिक्स ट्वेंटी टू ग्राम है ठीक है ऐसा समझ लें सिक्स ट्वेंटी टू ग्राम है और अगर कोई अलग टाइप right का ये वाटर बोल रहा है इसके अंदर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी वो टाइम पे वेपर प्रेशर इतना निकल के आ रहा है इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट वर्टी डिग्री सेल्सियस पे इतना निकल के आ रहा है वॉट इज द मोलर मास मोलर मास मतलब कैपिटल एम तेरे को पूछ रहा है लेवल थ्री का क्वेश्चन है बेटा लेवल थ्री का क्वेश्चन है तुम लोग मैं बता रहा हूँ जिसपे अभी तक एग्जाम की निगाहें नहीं पड़ी है ठीक है अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको W1 और W2 फाइंड आउट करना रहेगा सो so, अभिषेक सर जैसा तुमको बता रहे उसको तुमको ऐसे फाइंड आउट करना है देखो अभिषेक सर बोले तो क्या बच्चा एक नंबर एक नंबर मतलब कभी भी ज्यादा लोग के लिए यूज करते हैं सो एक नंबर हम लोग सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे ठीक है और दो नंबर हम लोग किसके लिए यूज करेंगे सोल्यूट के लिए यूज करेंगे सो right? so, एक कहां पर है सोल्वेंट है तो so, देखो ये थ्री नाइन्टी फोर ग्राम है ये छह सौ बाईस ग्राम है तो so, अब बताओ ज्यादा कौन सा है ठीक है ठीक है अरे सर ओपी पेपर था ठीक है ठीक है ठीक है स्पैम मत कर भाई मोनिश पठान बाकी बच्चों को ध्यान दे ठीक है जल्दी जल्दी बताओ हूँ हाँ ये डब्लू वन क्या है बड़ा है राइट right? तो so, ये छह सौ बाईस बड़ा हो गया ये डब्लू टू हो गया राइट right? जो बच्चे लेक्चर देखते हैं उनको पता है ठीक है जो भी लास्ट में आए भटक भुटक के तो उनको क्या ही समझ में आएगा ठीक है उनको बस ऐसा लगेगा अरे हाँ 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 तो श्योर sure आप महाजन और महामेराथन देखो ठीक है फिर उसके बाद इसको इसको इनका रखना है वैल्यूज को ठीक है और सब करके आंसर्स निकालना है मैंने लेक्चर्स में पढ़ा रखा है ठीक है तुम कर लेना इसको ठीक है सिंपल है यार देखो कृष्णा द रोल नंबर ट्वेंटी वन कृष्णा द रोल नंबर ट्वेंटी वन दैट से ठीक है बाकी वैल्यूज को रखना और झमाझम सॉल्व कर लेना ठीक है अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ पी वाई क्यू ठीक है अब ये यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है बॉइलिंग पे आ गया फ्रीजिंग पे आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग आ चुका है ठीक है और कुछ ज्यादा बच नहीं रहे थे कॉस्मेटिक प्रेशर पे बताया था कल अब आ चुका है ठीक है अब पता है कौन सा आएगा क्वेश्चन अब तुमको ये पूछेगा कि आइसोटोनिक है कि नहीं है ठीक है आइसोटोनिक में मतलब कैसा जैसे जैसे कि ना दो सोल्यूशन दे, दे देगा जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था ना कल के पीवाई सीरीज में बताया था कि आपको दो सोल्यूशन दे, दे देगा दोनों के पाई का वैल्यू सेम जब आएगा ना तब वो आइसोटोनिक होगा वो क्या होगा आइसोटोनिक होगा सबको समझा गया वो क्या होगा तब आइसोटोनिक होगा ऑलराइट सो वो उस बात का ध्यान देना ठीक है और बाकी कुछ नहीं जीवन एकदम सरस है ठीक है राइट अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव पे पूछ चुका है अब नहीं पूछेगा ठीक है एक्सटेंसिव इंटेंसिव बहुत बार आ चुका है आइनिक इलेवि पे आते हैं आइनिक इलेवि में कुछ नहीं ये सब ये सब 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 अब पता है एम्फोटेरिक नेचर बाकी है ठीक है एम्फोटेरिक नेचर बाकी है पर मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है के के भी पूछा जा चुका है ठीक है और के डब्ल्यू पी एच पे देखो पी ओ एच पे आज क्वेश्चन आया था ठीक है तो वो भी हो चुका है और राइट सो इस चैप्टर में ज्यादातर सॉल्टॉल्ट में से क्वेश्चन आएंगे और एक आयनिक बॉन्ड के बारे में था और कोलहोर्स लॉ तो आया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ठीक है ठीक है अब देखो ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड और ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल अल्कोहल पे ये पूछ रहा है और सेल कॉन्स्टेंट पे तीन क्वेश्चन आए थे ठीक है अगर मैं आपको आयनिक के रिगार्डिंग बोलू ना तो आयनिक इक्विलिब्रियम में चैप्टर में आपको करने का अगर कुछ है ना तो मैं आपको बताता हूँ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे करके जाओ क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो ऐसा क्वेश्चन है ना उस उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए पर उन्हें अब तक पूछा नहीं है ज्यादा तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन करके जाओ ठीक है मार्क कर लो यार जो जो मैं देखो मैं आपको पच्चीस तीस टॉपिक नहीं बताता मेरे बच्चों मेरे ध्यान से सुनो मैं आपको ना किसी चैप्टर में खाली दो या तीन टॉपिक ही बताता हूं ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमको एक चैप्टर में से दस चीज बता रहा हूँ दस में से कुछ एक आ रही है मैं आपको दो या तीन चीजें बता रहा हूँ दो या तीन 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 से ज्यादा मैं किसी चैप्टर में बताता ही नहीं हूँ और वो तीन ही चीजों में से दो दो चीजें आती हैं समझ रहे हो आप मैं क्या बता रहा हूं आपको ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हार्ड है नहीं 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 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मैं तेरे को बताता हूँ क्या करना है ठीक है टेंशन मत है ठीक है अब आगे चलते देखो अब रही बात ये इसकी थर्मो की थर्मो में सब कुछ आ चुका है मतलब लाइक इन लोगों ने ये भी पूछ लिया पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन भी पूछ लिया ठीक है फिर उसके बाद आयसो थर्मल आयसो बारीक ये सब पूछ गया ये लोग ठीक है और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना वर्क डन पे भी ये लोग पूछ चुके हैं ठीक है ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम ये भी पूछ चुके हैं ठीक है और फ्री एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन थोड़ा सा चांसेस तो कम है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क मैक्सिमम वर्क पे भी हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर ना यार एक टॉपिक बच रहा है वो है इसमें ना प्रेशर के रिगार्डिंग इसके ऊपर प्रेशर के रिगार्डिंग बच रहा है ठीक है यहाँ पर पीवन पीटू वाले पे बच रहा है पीवन पीटू वाला या फिर इसके फॉर्मूले को देख करके आइडेंटिफाई करने को तो भी बोल देंगे ठीक है तो ये आप एक बार फार्मूला देख के जाओ ऑलराइट और और रहा तो वैसा कुछ नहीं ऐसा कुछ सवाल नहीं है ठीक है हो जाएगा इतना कुछ हार्ड नहीं है आज थर्मल ये वाला एक करके जाना रे ये वाला कौन सा वाला ये वाला प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट फोर है ना इसको एक बार करके जाना ठीक है वापस से हो सकता है रिपीट हो सकता है चांसेस है इसके ठीक है और ये हो गया और फिर इसके बाद

उस क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आप वहां से पूछ रहे समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ कारल के ऊपर देखो बताया था मैंने कायरल के ऊपर आया था समझा क्या सबको कारल के ऊपर आया था ठीक है हाईएस्ट नेगेटिव का पूछा था ठीक है ऐसा समथिंग उससे पूछा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला कौन सा बॉन्ड होता है मॉलिक्यूलर में नोबल गैस पे पूछा था पॉलिग्रोटियल का स्ट्रक्चर पूछा था ठीक है एच एल और एस एन ये रियजन कहा यूज होता है ये पूछा था ओके फिर इसके बाद इसने कुछ क्वेश्चन लिख के भेजे पिरेडिन वाला पूछा है फाइंड अल्कोहल इनमें से अल्कोहल फाइंड आउट करना है ठीक है फिर उसके बाद ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्वेश्चन बन रहे डब्ल्यू क्वेश्च टू माइनस पी एक्सटर्न इन डेल्टा वी पे इस पर बन चुका है ठीक है और फिर उसके बाद कोबाल्ट कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ये पूछ रहा है फिर एक सेकेंड रुको फिर इसके बाद देखो ये रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन और राइट रोशन मुंड में कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं ये पूछा है रोशन मुंड आपको याद रहना चाहिए एटम इकोनॉमी पे न्यूमेरिकल आया था जैसा आपको बताया और राइट फिर उसके बाद डेल्टा यू और डेल्टा यू एच यू डेल्टा एच और डेल्टा यू के ऊपर क्वेश्चन आया था रिएक्शन देखा था ठीक है सिस्टम डज वर्क ऑन द सराउंडिंग हीट एब्सोर्ट टू द सिस्टम ये सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर क्वेश्चन बन रहे ठीक है और एक मिनट रुको रोशन मून देखो ये, ये बच्चे ने अच्छे से लिख के भेजा ऑर्गेनिक में रोशन मून रिएजेंट स्वार्ट्स पे रिएजेंट आया था इथेनॉल रिडक्शन आया था आइडेंटीफाई प्राइमेरी माइंड फिजिकल में गायरोस्कोपी कॉन्स्टेंट गिवन था डेल्टा टी वॉज एस्क पीएच का लेवल थ्री का क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया लेवल थ्री का क्वेश्चन डेंसिटी की इक्वेशन आया था विद टफ वैल्यूज ठीक है डेंसिटी जो निकालना है ना टफ वैल्यूज के साथ आता था हाइब्रडाइजेशन बिटवीन सी एच कार्बन हाइड्रोजन एस पी एस ऐसा समथिंग इनऑर्गेनिक में ऑल क्वेश्चन वेर लिटिल मॉडरेट टू इजी इजी थे ठीक है ऐसा एक बच्चे ने भेजा मेरे को ठीक है सो मेक श्योर मेक श्योर मेक श्योर आप ऐसे देख के जाए ठीक है ये आपको पांच मिनट के लिए दिमाग में देखना है इस जो अभी मैंने पांच छह बार कुछ बोला ना ये पांच छह मिनट तक अभी दो मिनट तक कुछ बोला ना कि किस में से क्या क्या क्वेश्चन आता है उसको दो तीन बार सुनना ठीक है अब देखो यहाँ पर ये डेल्टा एच और डेल्टा यू वाला सिस्टम ऑल राइट तो सिंपल है मतलब बन जाएगा यार तुमसे ऐसा नहीं कि नहीं बना पाओगे बना लोगे पेपर ठीक है right, right, right. अब ज्यादा कुछ बच नहीं रह रहे बताओ ना? अब क्या होगा पता है क्या अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा आई मीन टू से अब वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले आ चुके हैं समझ में आ गया अब कुछ नहीं बचा है मतलब पेपर में ऐसा है ना कि कुछ बच ही नहीं रहे समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं समझ रहे हो ठीक है समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर ठीक है अब कुछ बच ही नहीं रहा है बोलते हैं ना कुछ बच रहा है तो क्वेश्चन आ रहा है वैसा कुछ है ही नहीं गया है के अंदर समझा 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 कि नहीं सम्झा? क्या बोल रहे हैं अभिषेक सर कुछ बच ही नहीं रहा है ऐसा हो रहा है कि मतलब सर सारे के सारे क्वेश्चन तो आ रहे कोलहा भी पूछना चालू कर दिया उन्होंने ठीक है प्लस प्लस करके एक को माइनस करना रहता है समझ में आ रहा है मैं क्या कहता कह रहा हूँ ठीक है और एक बात बताऊ मैं जितने बच्चे से बात करता हूँ ना चलो इधर आओ आगे चलते ठीक है छोड़ो हाँ देखो यहाँ पर देखो ये हो चुका है वर्क डन इन केमिकल है ये देखो ये आज के शिफ्ट में पूछा था डेल्टा यू ये थोड़ा सा कीबोर्ड नहीं चल रहा है नया वाला पीछे रखा है देखो ये सब्लिमेशन इन सब्लिमेशन ये सब बचा है थेटिकल क्वेश्चन तो जो अभी पीसीबी वाले बच्चे ना वो ये सब करके जाएंगे ठीक है क्लियर हो गया सबको ये सब करके जाएंगे और राइट मैथ्स का मैथ्स का हार्ड आता है यार शायद से बच्चे बता रहे थे मेरे को ठीक है समझा सो so, आगे चलते हैं आगे चलते हैं ये फ्यूजन यूजन ये सब कर लेना फ्यूजन सब्लिमेशन ठीक है ये सब हो जाएगा आपसे ठीक है और बढ़िया है सब ठीक है चलो 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 आगे चलते नहीं 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 बताना है भाई कुछ कुछ चीज़ें अंदर रखनी चाहिए इंसानों को ठीक है तब अच्छा होता है चलो आगे चलते हैं ठीक है देखो ये इंथालपी ऑफ केमिकल रिएक्शन है ठीक है ये सब भी हो जाएगा ऑल राइट हैज लॉ हैज आपका क्वेश्चन नहीं पूछा तो हैज लॉ एक बार देख के जाना अभी तक ये पीछे का एक टॉपिक बचा हुआ है अच्छा अच्छा बता रहा हूँ 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 सुनो मैं आपको एक चीज बताता हूँ देखो सिंपल uh, देखो मेरे को ना ये बताने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या किया है आप लोग के लिए ठीक है बट मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है ठीक है आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊंगा ऑलराइट right? आपको क्या करना है मैं आपको ये बताऊंगा देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ बॉयज और गर्ल्स देखो ध्यान से सुनना आप लोगों की ना एज ज़्यादा नहीं है आप लोग सत्रह अठारह साल की हो अभी ठीक है तो दुनिया में ना अभी बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखनी है ये लाइफ है बेटा इसमें आपको बहुत सी चीज़ें अभी देखनी है ठीक है अभी आप लोगों को कम से कम छत्तीस लोगों से मिलना है जो छत्तीस तरीके का दिमाग लगाएंगे ठीक है आप लोग लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों से मिलोगे अभी तो कुछ भी नहीं है अभी जब जॉब पे जाओगे कॉलेज में जाओगे अलग अलग लोग मिलेंगे अलग अलग फ्रेंड मिलेंगे तो बस ना एक बात याद रखना ठीक है आपको ऐसा बहुत बार ना अंदर से ऐसा लगेगा कि यार सामने वाला इंसान ना मेरा फायदा उठा रहे हैं ठीक है थीके? सामने वाला इंसान मेरा फायदा उठा रहा है ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है मेरी मजबूरी है ठीक है तो इसका इस चीज का वो बेनिफिट ले रहा है सो ना लेने देना लेने देना लेट इट भी ठीक है जाने देना उसको अगर वो कर रहा है ना आपसे फायदा निकाल रहा है ना तो लेने देना लेने देना लेने देना और अगर किसी का भला करना रहेगा ना आपको तो कर देना ज्यादा ऐसा सोचना मत कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसकी सामने वाली की हेल्प ऐसा वैसा कर देना मतलब बस उसमें देखना कि ज्यादा तुम्हारा नुकसान ना हो बस इतना देखना ठीक है और कर देना मतलब ऐसा ज्यादा सोचना मत जिंदगी में कि यार बहुत सोचते बैठ रहे लोग कि मैं करूँ कि नहीं करूँ किसी की और यार मैं तुमको एक चीज बताऊं लाइफ में कुछ करो चाहे नहीं करो कुछ भी करो चाहे नहीं करो पर एक चीज याद रखना कभी भी किसी से जलना मत किसी से जलना मत क्योंकि ना जलोगे कब जलोगे तभी जब आपका चैप्टर नंबर वन किसी के लाइफ के चैप्टर नंबर ट्वेंटी से आप कंपेयर करोगे तभी आपको उसमें से हेट होगा समझा बट याद रखना अगर वो इंसान को वो चीज मिली है ना जिसके लिए आप जल रहे हो सो तो इस बात को ध्यान में रखना कि उसने बहुत सारी मेहनत की तब जाकर के वो स्टेज पे पहुंचा है समझे कि नहीं समझे वो स्टेज पे तभी पहुंचा जब उसने बहुत सारी मेहनत की है तो जलना मत कभी भी ठीक है तो करना क्या बटा बच्चा उससे ना इंस्पिरेशन लेना इंस्पिरेशन लेना कि यार उसने ऐसा किया है तो मैं भी काश ऐसा कुछ करूं समझ में आया जो आप चाहते हो वो चीज उसको मिल गई है तो आप उससे जलना मत यार हेट मत देना किसी को भी लाइफ में कभी भी किसी को हेट मत देना ठीक है देखो अपना भी जो जीवन है ना यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं है हम लोग भी 2000 2000 इसी में चले जाएंगे 3000 हजार हमें हम से कोई भी नहीं देख पाएगा ठीक है और देखेगा भी तो कैसे ऐसा मर मुरा के देखेगा आया आया करके ठीक है जलना मत इंस्पिरेशन लेना और आगे बढ़ना बस यही बता रहा हूँ लाइफ का छोटा सा ज्ञान है और मेरे को ये भी पता है कि आप में से मतलब कितने सारे सब्सक्राइबर हैं इनमें से मेरे को बहुत कम ही लोग इक्के दुख के लोग रहेंगे या तो यार दो या तीन ही रहेंगे ज्यादा से ज्यादा ठीक है जो मेरे को पचास या साठ साल के जब वो खुद हो जाएंगे जब मैं एकदम हो जाऊंगा तो वो लोग मेरे को देखेंगे ठीक है कि अरे हाँ ये अपना सर था ऐसा करके ठीक है ये दुनिया है यार तुम लोग ना जब अपनी लाइफ में जाओगे ना आगे तो आप उसमें बिजी हो जाओगे मैं भी बिजी हो जाऊंगा दूसरे बच्चे आएंगे मैं भी उनसे आप बिजी हो जाऊंगा उनसे मेरा कॉर्डिनेट होगा बट आपके इतना प्यार ना यार शायद ही लगता है मेरे को कोई दे सकता है इस जन्म में ऐसा है सो मेक श्योर आप जलिएगा नहीं किसी से बराबरी करिएगा अगर बराबरी नहीं भी हो सकती ना तो कम से कम इंस्पिरेशन लीजिएगा लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं कि दो लोगों को नीचे झुका करके आप उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हो ये काम मत करना ठीक है इतना बस ध्यान में रखना ठीक है और अगर आपका कोई फायदा उठा रहा है तो उठाने दो लेट इट बी कि चल रहा है चलने दो ठीक है कब तक उठाएगा कब तक उठाएगा एक टाइम आएगा ना कि अपना भी टाइम आएगा ठीक है सो बस यही है और कुछ नहीं ठीक है ठीके? बस राइट आगे बढ़ो यार लाइफ में ठीक है ऑल द बेस्ट जीवन के लिए ऑल द बेस्ट यार ये तो कुछ भी नहीं है यार और ये ये भी याद रखना ये जो नैया है ना तुम्हारी वो तो मैंने पार लगाई है ना तो मैंने बहुत मुश्किल से लगाई है मैंने भी ऐसी बहुत सी चीजें थी जो दाव पे लगाई तब जा करके आप और मेरा हम दोनों का यहाँ पर सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट हुआ सोलह के सोलह चैप्टर्स विद पी वाई क्यू विथ महाविजन फिर महा मैराथन सब कुछ ठीक है ये सारी की सारी चीजें इतनी पॉसिबल तभी हुई हैं दोनों साइड से पॉसिबल हुई है जब मैंने भी बहुत सारी चीजें अपनी दे दी दाव पे लगा दी सैक्रीफाइस कर दिया डेडिकेशन कर दिया कंसिस्टेंसी मेंटेन कर दिया तब जाकर के आज हम लोग में फैमिली पे पहुंच चुके सो बस right? so, यार और कुछ नहीं है है ठीक चलो आगे चलते हैं है करके जाए क्योंकि अब तक तो एक भी क्वेश्चन इसमें बना नहीं है सो मेक श्योर आप हैजलॉग को अच्छे से करके जाओ समझा सबको हेजलॉग को अच्छे से करके जाना ठीक है अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यहां पर ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे देखो कोल पे कोलहोस पूछना चालू कर दिया प्लस माइनस करके ठीक है तो सेल कॉन्स्टेंट पे आज तो तीन क्वेश्चन आ गए थे और इन लोगों ने ना इन लोगों ने देखो अभी ना ये जो कंडक्टिंग मोलर सलूस कंडक्टिविटी है ना इसको ना एक दो शिफ्ट से लोग अवॉइड कर रहे हैं ठीक है तो इसके ऊपर आप करके जाओ क्योंकि आपके शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन मिल सकता है और ये वाला शिफ्ट पे देख लेना ठीक है और ये लोगों ने अभी इस पे ही पूछना चालू कर दिया कि एनएससीएल कैसा है क्या है कैसा है और तो सी के ऊपर अब तक तो क्वेश्चन नहीं ये बी एस सी टू तो क्यू आई टी इस पर क्वेश्चन नहीं बना तो इसके ऊपर हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा ठीक है अब तक तो ये किसी भी शिफ्ट में नहीं आया कौन सा वाले की बात कर रहा करो सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों मेरे प्यारे बच्चों सबको समझ में आ रहा है ये वाले फॉर्मले की बात करो डब्ल्यूस टू डब्ल्यू इक्व टू आई टी अपन नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो ये वाला सबको याद आ रहा है बोलो यस सर जोर से चिल्ला के बोलो यस सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हमको ठीक है कुछ बताने की जरूरत नहीं है यार आपको दो महीने से पढ़ाया मैंने ठीक है जस्ट मैं आपको हिट बता दूंगा ना कि ये तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए ठीक है ये वाला हम लोगों ने किया देखो आई की वैल्यू टी की वैल्यू राइट टी की वैल्यू याद रखना सेकंड्स में सेकंड और राइट पता चला झमाझम जम खाली रखते जा रहे हो और करते जा रहे हो ठीक है <laughs> नन्नू बोल रही आप तेईस साल की नहीं छब्बीस साल के हो गए बेटा <laughs> वो भी बढ़िया ठीक है सॉल्व बीच में भी क्वेश्चन आ चुका है स्टैंडर्ड ठीक है और प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल कौन सा वो पढ़ लेना ठीक है प्राइमरी में क्या रहता है मेरे को बताओ जल्दी प्राइमरी को वापस से चार्ज कर सकते और सेकेंडरी को ठीक है चलो 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 केमिकल कैनेटिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंपल सिंपल चीजें आएंगी ठीक है अब कुछ बचा नहीं है चैप्टर्स में ऑल राइट तो मेक श्योर आप अच्छे से करके जाओ एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था ठीक है hmm, और, 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 और 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 तो कुछ भी नहीं ठीक है और ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में एक एक दो आयु पैक तो करके जाओ ठीक है और इसमें फेरस और नॉन फेरस कर लो ठीक है ये पेज नंबर कौन सा है बोलो बच्चा 174 174 पे ये सब करके जाओ इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी ठीक है अभी इसमें बनने चालू हैं right? तो ये वाला आप करके जाओ और नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ आए तो फिर लेंथनेट और एक्टिनेट का जो चार्ट है ना ये करके जाओ सिमिलरिटी सिमिलास इस पर क्वेश्चन आएगा ठीक है और कॉर्डिनेशन में ये वाला करके चले जाओ ठीक है ये वाला चार्ट के थ्रू ये सब करो अच्छे से हो जाएगा ठीक है और रिएजेंट पे तो क्वेश्चंस बन चुके हैं रसन मुंड सब शॉर्ट बना लिया हम लोग ने इसमें कार्य के ऊपर भी आज क्वेश्चन आ चुका है ठीक है एस एन एस एन टू करके जाओ वापस से रिपीट होने का चांसेस है एस एन वन और एस एन टू ये बार पढ़ के जाओ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ मैं ठीक है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ खाली टॉपिक बता रहा हूँ ठीक है तो एस एन वन एस एन टू करके जाओ फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो फिर वर्ड्स रिएक्शन वर्ड्स फीडिंग ये सब हो चुका है ठीक है ये सब हो चुका है ठीक तो है ये सब हो चुका है राइट इस पर आप क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस है ठीक है और अल्कोहल फिनोल भी इजी है इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं लग रहा है ठीक है बस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कर लेना जैसे कि आज के लेक्चर में पूछ रहा था इसके ऊपर ये वाला रीजन ठीक है शिफ्ट वन में मेरे को दिखा था ये क्वेश्चन और राइट सो अब मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ना ये लोग ना ये पूछेंगे क्या अब ये लोग इस पर आ जाएंगे इस पे वापस से इस पे आएंगे पेज नंबर देखो पेज नंबर देखो ठीक है पेज नंबर देखो जल्दी जल्दी देखो भाई पेज नंबर बताओ फ्रॉम क्यूमिन वाला दिख रहा है सबको अरे हाँ ना फ्रॉम क्यूमिन दिख रहा है राइट right? सो so, उस पर आ सकता है क्वेश्चन राइट ग्यारह अगस्त का शिफ्ट पूछ रहे हो बता रहा ना मैं एक दिन पहले ही बताता हूँ एसिड थी। कौन सा है एन एन टू और एच सी एल ओके ये करके जाओ राइट सो सो वही बस ज्यादा कुछ लग नहीं रहा अब हो चुका है रिमन टिफिन कोलबे करके जाओ अभी तक कोलबे एक भी बार नहीं आया ठीक है तुम्हारे तुम्हारे लिए कोलवे कोलवे एक भी बार नहीं आया दो तीन बार से बोल रहा हूँ कोलवे नहीं पूछ रहे ईमन टीमन पूछ पूछ के तंग कर दे रहे ठीक है कोलवे में देख लो भाई सोडियम फिनोक्साइड सेलिस एसिड देता है ठीक है फिर उसके बाद उसके बाद ये जिंक पिंक ये सब 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 हो चुका है ठीक है फिर उसके बाद ना उसके बाद अल्डीहाट की तो रोशन मुंड पर देखो आज क्वेश्चन पूछ, पूछ रहा था स्टीफिन बाकी है ठीक है स्टीफिन कर लेना एक बार राइट और रही बात और कुछ नहीं और कुछ खास नहीं ठीक है नहीं 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 ये सब 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 सब, सब कुछ खास नहीं ज़्यादा कुछ खास नहीं ठीक है थोड़ा बहुत ये करके चले जाओ हाइजनबर्गी रिएजेंट एक बार ऑपस से देख लो अब क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है ठीक है और हाँ ये बायोमोलिपी का ये चार्ट बाकी है अभी भी इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है और एटम इकोनॉमी पे आज न्यूमेरिकल आ गया था ठीक है और ये ओ एच निकालने को पूछा था इसमें ठीक है इसमें और बच के आ रहा है भाई माल्टोज ये सब कर लो हाँ माल्टोज सुक्रोज एक बार एक बार पढ़ लो एक बार रीड मार लो हल्का सा ठीक है रीड मार लोगे तो भी चलेगा और ज़्यादा कुछ है नहीं हार्ड ठीक है इसको फिर हम लोग यहीं खत्म करते हैं ठीक है और प्रिंसिपल एक बार देख लो ग्रीन केमिस्ट्री क्या तो नैनो केमिस्ट्री वाला पार्ट देख लो ज़्यादा आप बनेगा नहीं रे बेटा मैं सही बताऊँ ना तेरे को अब क्वेश्चन अब हो गया अब बोलते ना हो गया अब ठीक है अब जितना पूछना था उन्होंने पूछ लिया ठीक है राइट जितना पूछना था अब उन लोगों ने पूछ लिया ओके किसी को कुछ पूछना है तो बात कर लो मेरे से मैं पाँच मिनट में भी बंद करने वाला हूँ ठीक है क्योंकि कल आपका भी एग्जाम है ठीक है कुछ पूछना है देखो कल के शिफ्ट के लिए मैं अगर एग्जाम में बताऊँ ना सो तो जहाँ तक मेरा हिसाब है ना कि आज रिएजेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन आया था अब पहले हम लोग एक एक करके बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ना कल थेरिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे क्योंकि आज ऑर्गेनिक में रिएजेंट पूछा था तो फिजिकल में थेरेटिकल ज़्यादा बन सकते हैं और रही बात इनऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो क्वेश्चन बनेंगे और रहा बात ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में आपको प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा देगा या फिर नेम रिएक्शन के ऊपर ज्यादा बनेंगे ठीक है और कुछ देखो जिन बच्चों का ना 11 अगस्त को पेपर है या तो 12 अगस्त का पेपर है ठीक है या ग्यारह बारह तेरह बोल रहे हैं तो मैं उनको एक चीज बताता हूँ सिंपल सा लॉजिक लगाओ सिंपल सा लॉजिक लगाओ एक ही चार चीज आपको मैं बता रहा हूं कि हमारा एक बार सारे के सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ चुका है तो अब क्वेश्चन आएगा कहां से सर क्वेश्चन रिपीट होगा जी सर हाँ क्वेश्चन रिपीट होगा क्यों क्योंकि पहले एक बार आ चुका है ना तो अब क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है सबको समझा क्वेश्चन के जो रिपीट होने के चांसेस है वो सबसे ज्यादा है अभी ओलराइट सो मेक श्योर आप क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओ ठीक है क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस इतने ज्यादा है कि पूछो मत अगर पी वाले बच्चे ना तो आप लोग तो एक टाइम टेबल बनाओ सबसे पहले ठीक है और हो सके तो ना तो आप बायो में अपनी स्पीड बढ़ाओ क्योंकि आपको ना बायो ही अच्छे से करना है और राइट और बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन है किसी को पता है पीसीबी वाला है कोई किसी को पता है कितने क्वेश्चन है बायो में जल्दी बोलो भाई कितने क्वेश्चन है पीसीबी में कितने क्वेश्चन है बोलो मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से तो मजबूत क्वेश्चन है राइट कितने क्वेश्चन आते हैं सौ आते हैं ना शायद राइट तो सौ क्वेश्चन को करो अच्छे से ठीक है तुमको स्पीड कम पड़ जाएगी मैथ्स में याद रखना सॉरी फिजिक्स बायो में बायो में तुमको स्पीड कम पड़ जाएगी तो स्पीड बढ़ाओ अपनी और राइट और जिन बच्चों को लग रहा है कि यार हमारा एग्ज़ाम में क्या होगा ठीक है सो उनको यही करना चाहिए मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा आपको ना अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए और क्यों रेस्ट देना चाहिए क्योंकि बेटा आपको पैनिक होने का टाइम नहीं है और आप पढ़ने का भी टाइम नहीं है कुछ नया मत पढ़ो आपने जो ऑलरेडी पढ़ रखा है ना आप उसी को जस्ट रिवाइज करो क्या करोगे जो आप लोगों ने नया पढ़ रखा है जो आप लोगों ने पहले से ही बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो ना आपको जस्ट उसी को रिवाइज हेलो हेलो वॉइस आ रहा है अभी वॉइस आ रहा है वॉइस आ रहा है राइट right? अभी आ रहा है वॉइस अभी क्लियर है हेलो आवाज़ आ रहा है आवाज आ रहा है राइट right? हेलो सुनो 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 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाले सबसे पहले मेरे को बताओ आपका पीसीबी वाला शिफ्ट कभी से जल्दी बोलो जल्दी फर्स्ट वालों का याद भी है क्या याद है कौन से शिफ्ट को याद करो फर्स्ट 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 कौन से शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है ठीक है बताओ कौन से शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है पीसीएम छोड़ो पीसीबी बताओ बारह से स्टार्ट हो रहा है बारह से की तेरह से बारह से स्टार्ट हो रहा है राइट बत्तीस लिख रहा है एक भाई वाह वाह से स्टार्ट हो रहा है है राइट तो सबसे पहले ना देखो 12 है, देखो तारीख आपको यूट्यूब पे ये चीज कोई नहीं बता रहा है मैं आपको बता के दे रहा हूँ देखो आज हमारे पास आठ पकड़ लो नौ नौ हो गया दस हो गया ग्यारह हो गया राइट तो सबसे पहले क्या करो पता है क्या सोलह चैप्टर है ना कितने सोलह चैप्टर है राइट बारह में कितने चैप्टर है भाई सोलह चैप्टर है राइट right? अब आप लोग ना खाली टेक्स्ट बुक को रीड करना चालू करो न्यूमेरिकल्स को क्या करना है कैसे करना है ये भी बताऊंगा पहले मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो आप डेली ना डेली डेली पहले टेक्स्ट बुक को रीड करो टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो क्योंकि टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन बनेगा नहीं राइट right? और दूसरा 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 कोई ना कोई क्वेश्चंस को बनाओ डेली कम से कम सौ क्वेश्चंस बनाओ बायो का बायो का बता रहा हूं हाँ सौ क्वेश्चन डेली बनाओ फिर उसके बाद दस को भी डेली टेक्स्ट बुक रीड करो टेक्स्ट बुक तो कंपलसरी कर दो तो रीड करना ही है बायो के लिए और फिर सौ क्वेश्चन बनाओ और सौ क्वेश्चन कैसे बनाना है ना पूछो कैसे बनाना है कैसे बनाना है पूछो नाइनटी मिनट्स में बनाना है कितने मिनट में बनाना है नाइन्टी मिनट्स में बायो वाले ध्यान से सुन लो मैं आपको बता रहा हूं आपके अभिषेक सर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री बायो के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं तो समझ लो कुछ डिसेंट ही बताएंगे ठीक है देखो ध्यान से सुनो आपके पास ना बायो में एक ऐसी चीज है ना कि बायो के अंदर ना आप सिंपली सिंपली क्या कर सकते हो आप ना पेन उठाए बिना क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो राइट ऑल क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं जहां तक मेरे को पता है बायो में न्यूमेरिकल नहीं होता है मैंने भी बायो पढ़ा है सो so, बायो में न्यूमेरिकल नहीं होता है ठीक है so, सो आप लोग क्या करो ठीक है बता रहा ना फिजिक्स का ही बता रहा हूँ सुनो पहले बायो वाले सुन लो दो, दो मिनट पेशेंस रखोगे तो आगे जाओगे लाइफ में ठीक है देखो ध्यान से आप लोगों को ना वहां पे एक ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे सौ क्वेश्चन थे मेरे नब्बे मिनट में खाली सत्तर ही बन पाए ये आप मेरे को खुद बोलोगे मैं आपको बता रहा ना अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करोगे तो आपको डेली सौ क्वेश्चन लगाने सबको समझा क्या और वो नाइन्टी मिनट में आप टारगेट बनाओ आपको मिनट में लगाने कौन कौन लगाएगा जल्दी बोलो कौन कौन लगाएगा तनुजा तन्नू कौन कौन लगाएगा बताओ जल्दी अथर रुतिका प्रथमेश राइट ऑल राइट श्रुति रूपेश कौन कौन लगाएगा बताओ जल्दी जल्दी डेली सौ क्वेश्चन लगाओ सौ क्वेश्चन ठीक है सौ क्वेश्चन लगाने का प्रैक्टिस करो नब्बे मिनट में और जो शिफ्ट का टाइमिंग है ना उस उसपे लगाओ ये तीन ही दिन करना है सोचो आपको खाली आपके लाइफ में बायो खाली ये तीन दिन के लिए पढ़ना है तो उस हिसाब से उस तरीके की जान लगा के करो ठीक है और जो बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम है ना फिजिक्स में देखो यार मैं तुमको बता दे रहा हूं टाइम का इशू है यहाँ पर तो तुम्हारे बायो में क्वेश्चन फंसेंगे और रुकेंगे ठीक है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो तुमको एक ही बार में पढ़ते ही रीड करते ही इसका आंसर आ जाएगा बट ऐसे बहुत से क्वेश्चन रहेंगे दस या बीस बीस क्वेश्चन पकड़ के चलो बीस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको तुमको एक बार में पढ़ने से आंसर आएगा ही नहीं तो वो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा बच्चा इसके लिए मेक मेक श्योर श्योर आप बायो में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो ठीक है और दूसरी बात जो बच्चों का फिजिक्स है ना फिजिक्स में जो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है ना तो क्या करना है पता है छोड़ दो हाँ हाँ सही बता रहा हूँ तो करो क्या करोगे क्या केमिस्ट्री पे फोकस करो और बायो पे फोकस करो समझ ऐसा कोई हीरो नहीं है जो फिजिक्स को लास्ट के दस दिन में लास्ट के एक दो दिन पढ़ करके कर देगा भाई फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है साल भर से अगर नहीं पढ़ा ना फिजिक्स तो आप छोड़ दो अब मत करो ठीक है मेक श्योर आपके दो सब्जेक्ट केमिस्ट्री और बायो नहीं खराब हुए ठीक है नहीं तो फिजिक्स के चक्कर में आपका खाली केमिस्ट्री तो खराब होएगा ही होएगा साथ में बायो भी खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि आप इन डेज में फिजिक्स को ज्यादा ध्यान दोगे ठीक है जो आपने पढ़ रखा है आपको वही पढ़ना है आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है समझा सबको समझा सबको फिजिक्स में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ना इवन किसी भी सब्जेक्ट में नया नहीं पढ़ना है जो आपने पढ़ा है वो पढ़ो शिफ्ट एनालिसिस देखो शिफ्ट एनालिसिस देखो और देखो क्या कर रहे हैं शिफ्ट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे मैं आपको सही बताऊं आपको ना किसी का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है इवन मेरा भी आपको सिंपली ना टेस्ट बुक खोलनी है और टेक्स्ट बुक में देखना है कि कौन कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन कौन से बाकी है और टॉपिक्स आपको खुद ब खुद दिख जाएंगे समझा मैं भी तो वही करता हूँ ना मैं भी वही वही थो, और थोड़ा सा हाई लेवल का दिमाग भी लगाता हूँ मैं एक्सपीरियंस भी अपने को ठीक है वो बात अलग है तो वो एक्सपीरियंस लगाता हूँ मैं सबको समझा तुम लोग का ना अभी रोना लगा है ठीक है अब मेरे को एक कोई भी एक ऐसा सिंगल सिंगल स्टूडेंट ऐसा बता दो जो आ करके बोल दे कि मेरा केमिस्ट्री से अच्छा फिजिक्स गया है। एक सिंगल स्टूडेंट दिखा दो मैं मान जाऊंगा मेरे 26000 हजार बच्चे उनमें से कोई एक सिंगल मेरे को बोल दे कि भाई मेरा फिजिक्स अच्छा गया है केमिस्ट्री में मेरे को कम आएगा फिजिक्स में मैं अच्छे से करके ऐसा कोई नहीं होगा और जिसका फिजिक्स अच्छा भी गया रहेगा ना उसने सिंपली उसने सिंपली ना उसने सिंपली ना फिजिक्स का ही किया रहेगा फिर क्वेश्चन सबसे पहले फिजिक्स ही अटेम्प्ट किया रहेगा बैल जैसा बैल लोग रहते हैं ना कुछ कुछ बैल जैसे जैसे नब्बे मिनट लगाया ना तो नब्बे मिनट में से एक घंटा फिजिक्स को ही लेके बैठे रहेंगे सारा का सारा ऐसे सॉल्व कर रहेंगे पहले बोलते रहेंगे तो फॉर्मुला का होता रे तो फॉर्मूला तसा होता ना तो तसा होता तो त्याचा होता आता क्या करूँ आता तो फॉर्मूला इतने टाकूका इतने टाकल पर आंसर नहीं रे भावा जाऊ दे अभी पांच छे मिनट ऐसा वेस्ट करेंगे उसके अंदर फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे ठीक है फिर दूसरा क्वेश्चन करने का इधर उधर देखेंगे फिर वो वाला क्वेश्चन का जो आंसर था उनको दिख गया वो बी मार रहा है तो अरे हाँ ये मेरे मेरे स्क्रीन पे भी वही क्वेश्चन दिख रहा है हाँ, तो मैं भी बी मार देता हूँ ऐसे वाले बच्चे वो समझा सो मेक मेक श्योर श्योर आप केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दो थीके? मैं सही बता रहा हूँ केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दो बोल राइट right? और जितने भी बच्चे हैं ना जो भी पेपर देके आ रहे हैं ना उनको एक बार जाकर के पूछो कि केमिस्ट्री अच्छा जा रहा है कि फिजिक्स रिव्यू देखते रहोगे ना तुम लोग तो लोग बोलेंगे केमिस्ट्री अच्छा जा रहा है तो मैं तुमको एक ही सजेशन दे रहा हूँ एक बच्चे ने ऐसे ही बोला सर मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ रहा था पर मेरा छूट गया मैं बोला क्यों बोलता है सर मैंने फिजिक्स सबसे पहले अटेंड करना चालू किया मैंने बोला पागल सबसे पहले केमिस्ट्री अटेंड करो केमिस्ट्री जो आता है उसमें स्कोर करो भाई समझ में आया कि नहीं आया नहीं तो बहुत जलेगी आपकी आप बोलोगे कि अरे सर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मेरे को सारे के सारे आ रहे थे पर मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं टाइम को रोक भी नहीं पाया और ये वैसा नहीं है तेरे कॉलेज का टेस्ट नहीं है कि तू बोलेगा टीचर टीचर दो मिनट लिखने दो ऐसा कुछ नहीं है डायरेक्ट पीसी बंद झमाझम खत्म डायरेक्ट मैथ्स वाला चालू बायो वाला चालू तो इसके लिए तो सबसे पहले टाइम बना केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दे फिजिक्स तो में देख अगर तेरे तीस क्वेश्चन भी बन रहे ना तो तू अपने आपको राजा समझ पर केमिस्ट्री में तो कम से कम फोर्टी फाइव तक बना समझा ठीक है क्लियर हो गया चलो मैं आपको कभी मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है ठीक है चलो चलो मैं आपको कभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ ठीक है फिजिक्स पहले करो और पूरे पेपर की वाट लगा दो हाँ देखा तन्नू ने सही बोला फिजिक्स पहले करो क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा दाम दिमाग लगेगा और सॉरी दिमाग तो है ही नहीं ना तो लगेगा कैसे <laughs> तो लगेगा ही नहीं ठीक है और जहां लगाना है केमिस्ट्री में जहां लगाना है वहां लगा नहीं पाओगे ठीक है बॉयज जहां लगाना है वहां लगा नहीं पाओगे और कहीं और लगा दोगे तो खत्म हो जाएगा गेम ठीक है तो ऐसी मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए केमिस्ट्री को जमा जम करिए फिजिक्स को अच्छे से करिए कभी नीट का भी टॉपर देख लो यार उसको बड़े से बड़ा टॉपर भी यही बोलता है सर फिजिक्स यार फिजिक्स नहीं हुआ यार फिजिक्स नहीं हुआ किसी का भी आई आई टी किसी का भी इंटरव्यू देखो वो यही बोलेगा फिजिक्स नहीं हुआ यार केमिस्ट्री हुआ केमिस्ट्री है पता क्यों क्योंकि अभिषेक सर केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते अभिषेक सर सिर्फ सिफोसिफ केमिस्ट्री पढ़ाते फिजिक्स नहीं पढ़ाते इसके लिए समझ में आया सबको तो अभिषेक सर फिजिक्स नहीं पढ़ाते इसके लिए उनका हार्ड जाता है ठीक है कभी फिजिक्स के मार्केट में उतरेंगे कभी देखेंगे अगर दिल किया दिल पर ले लिया तो उतरेंगे जरूर कभी ना कभी पर जिस दिन उतरेंगे ना उस दिन तैयारी से उतरेंगे चलो ठीक है ठीक है सान्या कह रही है तुम्हें संगित्ला ते चला ठेक यू सान्या ओके वेलकम थैंक यू बच्चा ठीक है और जिन भी बच्चों का पेपर हो जा रहा है ना उनको मुझे कॉल करके बताने की जरूरत नहीं है कि उनका पेपर अच्छा गया क्योंकि मैं जानता हूँ उनका पेपर अच्छा ही जाएगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्शन है ना यहाँ से धीरे से धीरे का कनेक्शन है ठीक है तो मैं समझ सकता हूँ और जो तुमको खुशी मिलती है ना और जिनका पेपर हो जा रहा है ना तो यार वो तुम लोग ना कहीं निकल जाओ ठीक है घर से बैक बैक करो और कहीं निकल जाओ कहीं घूम घूम के आओ ठीक है माहौल का मजा ले लो बारिश एकदम जमा जमाझम घूम घूम के आओ पर आ जाना वापस है पता चला घूमी हो गए घूम घूम के आओ बोला तो घूमी हो गए ठीक है आ करके आराम से फिर देखना बैठ करके कि लाइफ में आगे क्या कर सकते हो ठीक है और हो सके तो कुछ ना कुछ अर्निंग का सोर्स जमाने की कोशिश करना ठीक है चलो 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 बाय बाय टेक केयर हम लोग मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए राधे राधे और आप लोगों के साथ ऐसा सफर हमारा जिंदगी भर तो नहीं चल पाएगा ठीक है पेपर के बाद देख ही रहा हूँ एक एक करके बच्चे ग्रुप से भी लेफ्ट होते जा रहे हैं ठीक है ऐसा कोई बात नहीं ठीक है आगे बढ़ो लाइफ में आगे जाओ ओके okay? चलो बाय बाय टेक केयर और पीसीबी वालों तुम लोग के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाऊंगा मैं टेंशन ना लो ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर राधे राधे जय महाराष्ट्र रव्यू ऑल